हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। सो गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है जेद और आप देख रहे हैं मिस्टर कंटेंट डेवलपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सीन ये है कि कल रात को मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा। एकदम से पेट में अचानक बहुत दर्द उठ गया था। दैट वाज मैं उससे बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत तेज़ दर्द हो रहा था पेट में। फिर गोली गई मैंने जो मेरे पास रखी थी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाली, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। दैट्स वाय पापा मम्मी ने डिसाइड करा कि सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे। सो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के 10 और मैं अभी रेडी हो गया हूँ डॉक्टर के जाने के लिए। मम्मी पापा भी ऊपर रेडी हो रहे हैं और वो आते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, दिखाते हैं। जैसी कंडीशन हो बताते हैं आपको, तो वहाँ दिखाते हैं डॉक्टर साहब को, जो प्रॉब्लम होती है फिर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसा भी आपको ब्लॉग होगा आपको आगे का बताते हैं, फिर जाते डॉक्टर के जाएंगे, वहाँ जो होता है फिर उसके बाद जो सीन होता है बताएंगे। तो बस चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। हाँ तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं और हमारा डॉक्टर के यहाँ 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ से चलते हैं और रास्ते का जो सीन होता है वो आपको दिखाते हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए फिर। सो गाइस, फिलहाल अभी हम यहाँ पे अरेरा कॉलोनी में इंटर होते हुए, और गाइस गाड़ी का कांच थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो सॉरी, एडजस्ट कर लेना। आगे चल के अभी हम साफ करते हैं, तो बस आप वैसे ही बने रहें। बस ये हम लोग पहुंच ही गए हॉस्पिटल के लिए, और ये हॉस्पिटल आ गया है, ये हमारा ये रहा हॉस्पिटल। तो बस ये पहुंच गए हम लोग। फिलहाल अभी हम हॉस्पिटल आ गए, ग्लोबल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और अब अंदर जाते हैं। वहाँ पे जो हमारा नंबर लगा हुआ है चेक करते हैं क्या नंबर मिलता है, और फिर जैसा होता सीन आपको बताते हैं, तो बने रहें। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम हॉस्पिटल के अंदर इंटर होते हुए, काफ़ी प्यारा हॉस्पिटल है, ग्रीनरी का अच्छा है यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलते हैं फिर अंदर। और सामने की तरफ ये मेडिकल स्टोर है, पेशेंट्स बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप मेडिकल स्टोर। और ये राइट हैंड साइड पे अंदर जाते हैं, तो ये डॉक्टर साहब का केबिन है इधर राइट हैंड साइड पे। ये देखो, ये साइड पेशेंट्स बैठे हैं साइड, ये देखिए। सो गाइस, अभी फ़िलहाल हम यहाँ वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया, आधा एक घंटा हो गया हम वेट करते हुए यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं कौन सा नंबर चल रहा है, अभी ये देखिए आप, 17वीं नंबर चल रहा है, 17 नंबर। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी तो बैठना पड़ेगा, तो बैठते हैं फिर। सर नंबर आ ही गया, और अब हम डॉक्टर साहब को दिखा के बाहर निकल रहे हैं, तो पीछे मेरा डेट दवा लेते हुए मेडिसिन वगैरह ले रहा मेरे लिए। तो अब हम बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, 2-2.5 घंटे के बाद आखिर नंबर आया, बहुत परेशान होना पड़ा। पर ये लोकेशन अच्छी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं यहाँ पर, कोई ऐसा बहुत नहीं है, लेकिन आप जल्दी नंबर लगाएंगे तो जल्दी आएगा। लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, फिलहाल बाहर आ रहा हूँ, देखिए आप अच्छी लोकेशन पे हॉस्पिटल मेरे पीछे, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है। लोकेशन
शाहपुरा कहलाता है। इधर बंसल हॉस्पिटल भी आता है, मशहूर हॉस्पिटल है बंसल। पीछे झील, पीछे के साइड पे एक झील है, तो वहाँ पे। तो फिलहाल अभी डॉक्टर के यहाँ से फ्री होते हुए अब घर जाने की तैयारी, तो निकलते हैं यहाँ से। हाँ अंदर अंदर, यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाता जाता हूँ आपको मैं आगे की लोकेशन। और गाइस ये देखिए आप सामने बांस की पूरा मार्केट है। ये बांस का सामान मिलता है, बांस की डलिया और सारे लकड़ी की बांस जो होती है ना उसका, ये सब। तो यहाँ रुकते हैं और देखते हैं क्या पसंद आता है, कुछ लेते हैं। ये शाहपुरा झील या शाहपुरा लेक कहलाता है। काफी प्यारी लोकेशन है ये, इस शाहपुरा का पार्क है। ये बंसल हॉस्पिटल है, भोपाल का बंसल हॉस्पिटल, कोई शाहपुरा झील। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे शाहपुरा झील है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है और व्यू भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आज टर्न लेके वापस घर जाने का प्लान है, तो बने रहे। अब आज की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी आवाज़ भी मेरी डल सी है। चलते हैं आपको आगे का शॉट दिखाते हैं। सी यू। तो फाइनली अपने एरिया में आ गए, घर की तरफ चलते हुए चले हम घर। काफ़ी तेज गर्मी हो रही है, धूप हो रही है। सो गाइस फाइनली घर आ गए, मास्क उतार सकते हैं। तो गाइस मैं डॉक्टर के यहाँ 2-3 घंटे लग गए, और वहाँ पे उन्होंने 2-3 टेस्ट भी लिखे, सोनोग्राफी भी लिखी, पर शुक्र के कुछ भी नहीं निकला, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। कुछ उन्होंने 2-5 दिन की दवा लिखी है कि 5 दिन आप दवा खाएं, उसके बाद आके बताएं। अच्छे डॉक्टर थे, बात भी अच्छी करी, काफ़ी देर तक बात करी, फिर टेस्ट करवाया, सब कराया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, नॉर्मल बिल्कुल सब रिपोर्ट है। वो कहने लगे कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, दैट्स वाई आपका पेट दुखा। सो गाइस काफ़ी थक चुका हूँ वहाँ से आने के बाद, बन भी नहीं रही, अब हालत ख़राब है। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। See you in the next vlog.